Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Urvi and I'm in first year at Jadavpur University. As you all know कि कल रात में ही JEE Main June attempt का result आया था and I hope कि तुम लोग का result बहुत बहुत अच्छा आया होगा. And in case result अगर उतना अच्छा नहीं भी आया, expectation से थोड़ा कम result आया है, तो इतनी tension लेने की बात नहीं है. मैं इस video में तुम्हारे साथ कुछ tips share करूँगी, कुछ ऐसे points जिनका तुम्हें ध्यान रखना है, जिसके कारण तुम्हारे स्कोर में तुम 20 से 30 मार्क्स का शिफ्ट गौर करने वाले हो. तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊँ उसको फॉलो करना है, वरना तुम इसी पॉइंट पे वीडियो को स्किप कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि तुम्हें मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ये देखने के लिए कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, तुम प्रेशर किस तरीके से हैंडल करते हो एग्ज़ाम के टाइम पे, ना कि ये देखने के लिए कि तुम्हारा नॉलेज कैसा है. नॉलेज टेस्टिंग के लिए तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम हमें पता चलता है कि हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, या फिर जो भी केस तुम्हारा है. लेकिन हम मॉक टेस्ट क्यों देते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही है या फिर नहीं है, हम उस टाइम पे हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो सेट है या फिर नहीं है. अगर तुम्हारा बॉडी क्लॉक सेट नहीं होगा उसके हिसाब से, तो तुम्हें नींद आएगी एग्ज़ाम के टाइम पे, या फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चन देख के स्ट्राइक नहीं करेगा, या फिर लगेगा ये तो मैंने पढ़ा था, वो याद नहीं आ रहा फिर से, जो भी है. तो अब जब तुम मॉक टेस्ट दो, तो ये चीज़ तुम्हें गौर करनी है कि तुम्हारा ये सब चीज़ सही है या फिर नहीं है, ना कि ये देखना कि तुम्हारा स्कोर कितना जा रहा है मॉक टेस्ट के टाइम पे. सेकंड पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट का ही कंटिन्यूएशन है. अब जबकि ना एग्ज़ाम में 10 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 10 से 15 दिन मान लो, जो भी तुम्हारा डेट आता है एग्ज़ाम के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब 10 से 15 दिन में ना तुम्हें मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मॉक टेस्ट देने हैं. तुम मैक्सिमम 5 मॉक टेस्ट तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज भी करना है, उसके लिए भी तुम्हें टाइम चाहिए. और इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारी रिविज़न. अगर तुम्हारा रिविज़न स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो तुम अपने रियल एग्ज़ाम के दिन काफ़ी सारी चीज़ें भूल सकते हो. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने रियल एग्ज़ाम से पहले अपने बॉडी को भी रिलैक्स करना है, अपने माइंड को भी रिलैक्स करना है. तो उसके लिए बेटर है कि हम ज़्यादा मॉक टेस्ट ना दें. हाँ, मॉक टेस्ट तुम्हें देना है, तुम एवरी 2 डे या फिर ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो तुम चूज़ करो. लेकिन एवरी डे मॉक टेस्ट वाला रूल नहीं फॉलो करना है, स्पेशली अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और अगर तुम्हारा रिविज़न बचा हुआ है तो. थर्ड और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और काफ़ी सारे बच्चे ना इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है. तुम्हें इसमें क्या करना है ना, कि अपने फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज़ करना है. अब तुम्हारे पास खुद के फॉर्मूला शीट्स बने हुए हैं, तुम उनको रेफ़र कर सकते हो, या फिर कोई एलन की या फिर रेजोनेंस की फॉर्मूला शीट तुम डाउनलोड कर सकते हो. जो भी तुम्हारे पास रिसोर्स अवेलेबल है तुम उसे रेफ़र कर सकते हो, और अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज़ करना शुरू करो. अब क्या होता है ना कि फिज़िक्स में 4 to 5 क्वेश्चन अराउंड फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं. अब तुम सोचो, चलो तुम्हारा अगर लक भी ख़राब होगा, 4 नहीं 3 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, तो तुम उतने क्वेश्चन को भी सिर्फ फॉर्मूले से सॉल्व कर सकती हो, और बाकी जितने क्वेश्चन तुम्हें खुद आते हैं तुम वैसे सॉल्व कर सकते हो. अब मैं तुम्हें ना अपना एग्जाम्पल देती हूँ. मेरे फिज़िक्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया था, लेकिन मेरे केमिस्ट्री और मैथ्स में 50+ मार्क्स आए थे जेई मेन के अंदर. अब मेरा फिज़िक्स में इतना अच्छा स्कोर क्यों नहीं आया था, क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद नहीं थे. 2 चैप्टर थे ऐसे फिज़िक्स में जिनका मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाई थी, और मैंने गलत ऑप्शन मार्क किया था क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं था अच्छे से. वो 2 चैप्टर ऐसे थे, तुम बिलीव नहीं करोगे, एक था सेमीकंडक्टर और एक था कम्युनिकेशन सिस्टम. मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि ये 2 चैप्टर तो कभी मिस करके ही मत जाना, और वही चैप्टर मैंने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया था, जिसके कारण मेरा 10 मार्क्स तो ऐसे ही चला गया था, और ऑब्वियसली 2-3 और नेगेटिव हुए थे. तो इससे यही सीख मिलती है कि अपने फॉर्मूला शीट्स को अच्छे से रिवाइज़ करके जाओ. मैंने वो गलती करी, तो आई होप कि तुम लोग वो गलती नहीं कर रहे होगे. एंड द लास्ट पॉइंट, कि इस टाइम पे ना कुछ भी नया मत पढ़ो. ऐसा लग सकता है तुम्हें कि 10 दिन बचे हुए हैं, हम ये कवर कर सकते हैं, हम वो कवर कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन यही होगा कि अगर तुमने अभी तक 30, 40, 50% जितना भी सिलेबस करके रखा है उसका रिवीजन काफ़ी अच्छे से करो. बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि जो चैप्टर तुमने प्रिपेयर किया है उसमें से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाला है. तो अगर बाय चांस तुम्हारा रिवीजन किसी टॉपिक का छूट जाता है और उसी से क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, तब तुम क्या करोगे. तो इसीलिए बेटर है कि तुम अभी इस टाइम पर रिविज़न पर फोकस करो. और अगर तुम रिवीजन पे सिर्फ फोकस करते हो इस टाइम पे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम अपने ट्रू पोटेंशियल स्कोर को आराम से रीच कर जाओगे. आई होप कि तुम लोग मेरी इस एडवाइस को फॉलो करोगे और मेरी मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे.
एंड येस ऑल द बेस्ट. और अपना जूर अटैम्प्ट का रिजल्ट यहाँ नीचे कमेंट करके बताओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली मेरे से मेरे को रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर अगर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है तो.